रईत फार्मर के पास करीब 1000 एकड़ लैंड लिए सो है परताबाद 17 किलोमीटर है गुलबर्गा सिटी से, उधर श्री सीमेंट वाले फैक्ट्री डालने वाला है। श्री फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री वाले बोले तो उसमें 8 लाख रुपए लैंड का कॉस्ट बोल के दिखाए सो है, 7 लाख रुपए कॉम्पनसेशन टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन रिहैबिलिटेशन बोल के दिखाए सो है। बट उस दिन वो लोग क्या बोले, सबको जॉब देते, जॉब कार्ड देते, आप सब कौन कौन लैंड गया ना, एक एक पानी को एक एक जॉब देते, आप काम कर सकते हमारा पास बोल के लैंड लिए सो है। गुलबर्गा में ऑलरेडी 10 सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें 7 सीमेंट फैक्ट्री वर्किंग में है, 3 सीमेंट फैक्ट्री सिख है। वो 7 सीमेंट फैक्ट्री सेडम के पास, सीतापुर के पास और चिंचोली के पास है। अभी गुलबर्गा नियर सिटी को नियर होने वाला परताबाद 17 किलोमीटर है गुलबर्गा सिटी से, उधर श्री सीमेंट वाले फैक्ट्री डालने वाला है। उन्होंने 2018 में सभी रईत फार्मर के पास करीब 1000 एकड़ लैंड लिए सो है, 1 एकड़ को 15 लाख रुपए देते बोल के उनके पास रजिस्ट्रेशन करके 15 लाख रुपए दिए है। बट वो रजिस्ट्रेशन में क्या गपला किए सो है, वो श्री फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री वाले बोले तो उसमें 8 लाख रुपए लैंड का कॉस्ट बोल के दिखाए सो है, 7 लाख रुपए कॉम्पनसेशन टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन रिहैबिलिटेशन बोल के दिखाए सो है। ये सीधा सीधा धोखा है। धोखा क्यों बोले तो 15 लाख रुपए देते हूँ बोल के 8 लाख रुपए उसमें मेंशन करते हैं लैंड का कॉस्ट बोल के, 7 लाख कॉम्पनसेशन बोल के दिखाते। बट उस दिन वो लोग क्या बोले, सबको जॉब देते, जॉब कार्ड देते, आप सब कौन कौन लैंड गया ना, एक एक पानी को एक एक जॉब देते, आप काम कर सकते हमारा पास बोल के लैंड लिए सो है। अब तक जॉब कार्ड नहीं दिए, बात करने गए तो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। हम सभी रईत मुखंड वाले हमारे साथ राजशेखर कलबुर्गी बोल के रईत मुखंड है, मृत्युंजय रईत संघ बोल के दोडप्पा गौड़ा सामाजिक होराटगार है, हम सब मिलके सभी रईत, हाँ नहीं नहीं बोले तो 250 फैमिली है, हम सबका मांग है कि आप 14 तारीख गुलबर्गा DC के नेतृत्व अध्यक्षता में उधर क्लियरेंस मीटिंग है, एनवायरमेंट क्लियरेंस, माइनिंग क्लियरेंस और थर्मल पावर प्लांट का क्लियरेंस का है। हम मांग करते हैं हमार सबको बोले तो मेरे को नहीं, किनका किनका खेत गया ना उनको जॉब कार्ड दिए तो हम क्लियरेंस मीटिंग को अटेंड होके क्लियरेंस दे सकते हैं, नहीं तो हम उस दिन धरना बैठने वाला है, आपको क्लियरेंस होने नहीं देंगे, आप भी नहीं देना DC मैडम बोल के हम मीडिया थ्रू बता रहे। क्यों बोले तो 200 फैमिली का नहीं नहीं बोले तो भी 1000 लोग एम्प्लॉयमेंट मिलता था उधर, खेत पूरा बर्बाद हुए सो है, पीने भी नहीं दे रहे 5 साल से। ये इससे क्या हो रहा बोले तो सभी रोड पे आए सो है, खाने पे नहीं है, उतना क्रिटिकल कंडीशन है। ऐसा होते हुए एक DC भी आपका जवाबदारी बनता है कि जिला में किसी भी को अन्याय नहीं होने देना, आपका अध्यक्षता में सबको न्याय देना बोल के आपका जवाबदारी है न्याय देना। आप अच्छा न्याय दिए तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे, नहीं तो धरना बैठेंगे, धरना करेंगे बोल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।